एक सेकेंड हा तो ठीक है आप लोग एक बार देख लो वन बाई टू से फ्रैक्शन टू परसेंटेज वन बाय टू से लेके वन बाई हंड्रेड तक सॉरी वन बाई नाइन तक वन बाई टेन तक वन बाई टू फिफ्टी परसेंट वन बाई थ्री थर्टी थ्री पॉइंट थ्री थ्री वन बाई फोर ट्वेंटी फाइव ऐसा हर एक का वन बाई टेन तक एक बार इसको चेक लिख लो और इसको एक बार अपने नोटबुक में लिख लो आप लोग ठीक है चलो नेक्स्ट देखते वन बाई टेन तक हो गया उसके बाद था हमारा वन बाई इलेवन वन बाई इलेवन कितना है इलेवन सॉरी वन बाई इलेवन है आपका नाइन पॉइंट जीरो नाइन परसेंट और दैट इज इक्वल टू नाइन वन बाई इलेवन परसेंट वन बाई ट्वेल्व कितना है आपका एट पॉइंट थ्री थ्री परसेंट वन बाई थर्टीन है कितना सेवन पॉइंट सिक्स नाइन परसेंट वन बाई फोर्टीन कितना है सेवन पॉइंट वन फोर परसेंट या फिर सेवेन वन बाई सेवन परसेंट वन बाई थर्टीन सेवन पॉइंट सिक्स नाइन या फिर सेवन नाइन बाई थर्टीन परसेंट ठीक है वन बाई फिफ्टीन क्या है आपका सिक्स पॉइंट सिक्स सिक्स परसेंट सिक्स पॉइंट सिक्स सिक्स परसेंट वन बाई सिक्सटीन है आपका सिक्स पॉइंट टू फाइव परसेंट वन बाई सेवेंटीन है आपका फाइव पॉइंट एट एट परसेंट वन बाई एटीन है आपका फाइव पॉइंट फाइव फाइव परसेंट वन बाई नाइन्टीन है आपका फाइव पॉइंट टू सिक्स परसेंट और वन बाई ट्वेंटी है आपका फाइव परसेंट ठीक है तो ये सब अपने नोटबुक में आप लोग लिख लो एक बार प्लीज़ ये इंपॉर्टेंट चीज़ है ठीक है ना ये ये चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, important है। टूड बी मेमोराइज इट यस यस ऑब्वियसली ये मेमोराइज करना है one by two से लेके वन बाई ट्वेंटी तक आप लोग लिख लो फिर आप लोग अपने नोटबुक के साइड में मतलब रखो और इसको जैसे ही क्वेश्चन सोल्व करेंगे साथ साथ देखते रहो तो धीरे धीरे मेमोराइज हो जाएगा बट यू हैव टू मेमोराइज इट देर इज नो अदर वे ठीक है <coughs> तो ये तो हो गया क्लियर है चलो इसके बाद और एक चीज है एंड आप लोग अभी क्लास में क्या करेंगे हम लोग जो भी चीज कर जो मैं बोल रहा हूँ तो वो आप लोग क्या करो आई uh, मीन I mean उसको वो वाला जो पेज में जहां पे लिखा ना यू टेक द यू यू रिपीटेडली टेक दैट रेफरेंस ठीक है वो रेफरेंस चाहिए होगा उसको यूज करना है तो और एक अगर मैं आपको एक परसेंटेज का एग्जाम्पल दू तो आप मुझे कल का ही क्लास में रिपीट कर रहा हूँ ठीक है सो कल के स्टूडेंट से एक्सपेक्टेड है कि उन वो लोग आंसर देंगे थर्टी सेवन पॉइंट फाइव परसेंट का इक्विवेलेंट क्या है बोलो जो लोग कल में क्लास क्लास में थे ठीक nice. nice. है तो देखो कैसे कैसे निकला ये थर्टी सेवन पॉइंट फाइव मतलब ये हमको पता होना चाहिए देखो हमको ये पता होना पड़ेगा कि ये ट्वेल्व पॉइंट फाइव परसेंट का फ्रैक्शन हमको पता है ये चीज देखो हमको यहाँ से कहाँ गया ये देखो यहाँ से हमको 12.5 परसेंट का फ्रैक्शन मालूम है ना 12.5 पॉइंट फाइव परसेंट वन बाई एट है तो ये चीज़ दिमाग में रखना पड़ेगा तो 12.5 परसेंट जो है इंटू थ्री अगर करे तो ये देता है थर्टी थर्टी सेवन पॉइंट फाइव परसेंट इज इक्वल टू ट्व पॉइंट फाइव परसेंट इंटू थ्री इस थ्री इंटू ट्वेल्व पॉइंट फाइव का वैल्यू मुझे पता है वन बाई एट है तो इजीली आपको दे देगा थ्री बाई एट ठीक है चलो और एक आप लोग मुझे बताओ ट्वेंटी सिक्स पॉइंट सिक्स सिक्स परसेंट का वैल्यू बताओ सेक्शन में फोर बाई फिफ्टीन और कौन बोल रहा है आंसर अमन अरमान और किसने बोला आंसर ओके वेरी नाइस वेरी नाइस ट्वेंटी सिक्स पॉइंट सिक्स सिक्स का वैल्यू कैसे निकालेंगे ट्वेंटी सिक्स पॉइंट सिक्स सिक्स मीन्स इट्स ट्वेंटी परसेंट प्लस सिक्स पॉइंट सिक्स सिक्स हमको ऐसा ही दो वैल्यू चाहिए जिनका हमको फ्रैक्शन पता है ठीक है ट्वेंटी परसेंट का फ्रैक्शन तो पता है मुझे वन बाई फाइव और सिक्स पॉइंट सिक्स सिक्स का फ्रैक्शन कितना है वन बाई फिफ्टीन है तो इसका जो अगर आप एलसीएम लेके करेंगे तो ये फोर बाई फिफ्टीन देगा ठीक है ना और कोई प्रॉब्लम तो नहीं है अभी तक कोई दिक्कत नहीं है चलो आप लोग मुझे अभी यह बताओ देखो आपको इसको इस तरीके से ब्रेक करना है और बैंकिंग एग्जाम में यही आता है मतलब वो ऑब्वियसली इंटेंशन ही उनका वो है कि आपको पता है ये चीज दे वांट टू टेस्ट आपने ये सब चीज मेमोराइज किया है कि नहीं ये पूरा वन बाई टू से लेके वन बाई ट्वेंटी तक ठीक है ओके okay. 26.66 परसेंट का आ गया 37.5 आप मुझे अभी बताओ कि 62.5 परसेंट का इक्विवेलेंट क्या होगा फ्रैक्शन में सपोज तो भी 5 फाइव बाई एट अभिषेक वेरी नाइस 5 बाई एट बहुत बढ़िया ये क्या होता है एक्चुअली ये आपका 12.5 परसेंट का पांच गुना है आप 12.5 को 5 से मल्टीप्लाई करके देखेंगे तो 62.5 ही आएगा और मुझे पता है कि 12.5 का फ्रैक्शन है है तो ये 5 by आएगा वेरी नाइस nice. ठीक है। आप लोग मुझे अभी और एक बताओ .5, .5. आप लोग मुझे बताओ कि एवन वन परसेंट का फ्रैक्शन क्या है थर्टीन पॉइंट टू एट पॉइंट 14.28 कैसे होगा उसका फ्रैक्शन चाहिए मुझे yes. अभिषेक nice. बहुत बढ़िया तो ये क्या होगा ये मतलब 100 परसेंट हंड्रेड के पास है ना हमेशा 100 लो कोई भी बोले अगर मल्टीप्लाई करके नहीं लेना है ठीक है हमको हमेशा इजी, इजी चीज करना है डिफिकल्ट चीज कभी, कभी नहीं करना है हंड्रेड माइनस फोर्टीन है ये

देख के कल का क्लास देख के बोल रहे हैं तो मैं कुछ अलग देता हूं। रुको एक सेकेंड इतना जल्दी आंसर बोल रहे हैं ये देखो ये कैसे होगा हंड्रेड परसेंट माइनस एट पॉइंट थ्री थ्री परसेंट ठीक है हंड्रेड परसेंट का वैल्यू क्या है वन फ्रैक्शन हंड्रेड परसेंट का फ्रैक्शन वन है ठीक है ना हंड्रेड परसेंट का फ्रैक्शन वन माइनस एट पॉइंट थ्री थ्री मतलब वन बाय ट्वेल्व तो वन माइनस वन बाई ट्वेल्व इज इलेवन बाई ट्वेल्व ठीक है तो को मैं आपका थोड़ा सा सर घुमा देता हूँ थोड़ा सा सोचने दो क्या क्या नंबर दू इसका बताओ क्या होगा बताओ बताओ बोलो बोलो अभी बोलो ट्राई करो सेफ्टी के लिए हंड्रेड से माइनस करके ट्राई करो सेफ्टी फाइव बाई सेवन बहुत बढ़िया वेरी नाइस वेरी नाइस बहुत बढ़िया ये ये अच्छा लगता है ना ये देखो हंड्रेड परसेंट हंड्रेड परसेंट माइनस ये क्या है पता है हंड्रेड परसेंट माइनस ट्वेंटी एट पॉइंट फाइव सिक्स है ये

हंड्रेड से माइनस करो फिफ्टी से प्लस करके देखो वो सब टेक्निक ज़्यादा मल्टीप्लाई करेगा तो डिफिकल्ट होता है, छोटा से एकदम से में मत जाओ, वो है। आप हंड्रेड फिफ्टी को यूज करो हमेशा हमेशा हंड्रेड और फिफ्टी वाला रेफरेंस लो थोड़ा टाइम लगेगा ज्यादा लेकिन आप सीख जाएगा वो प्रैक्टिस के साथ उसमें प्रॉब्लम नहीं है फिफ्टी तो तो के मुझे फंसाने को प्लेन है <laughs> मैं भी वही सोच रहा था ये फिफ्टी में थोड़ा टफ होगा मुझे फंसाने के लिए बोला ना ये चीज तो वो सर, वो <laughs> देख दे रुको। 50 में थोड़ा सोचना पड़ेगा आ जाएगा ऐसा नहीं है ट्वेंटी वन पॉइंट फोर फोर को अगर हम लोग तोड़ेंगे तो ये आ, क्या आएगा ये फिफ्टी में अगर करेंगे अब लेकिन किस खराब होगा क्योंकि टेन पॉइंट टेन पॉइंट कुछ तो है नहीं एट एट टेन पॉइंट सेवन भी नहीं है ये फिफ्टी में नहीं होगा मतलब हो जाएगा लेकिन हमको ट्वेंटी वन पॉइंट फोर फोर का हम लोग नहीं निकाल सकते ट्वेंटी वन पॉइंट फोर फोर का हम लोग फ्रैक्शन नहीं निकाल सकते स्मार्ट क्वेश्चन था ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था लेकिन हम लोग ट्वेंटी वन पॉइंट फोर फोर का फ्रैक्शन आप निकाल के देखो तो किससे आएगा कोई कटता है कि नहीं छः सिक्स सेवन पॉइंट कुछ तो नहीं होगा हो हाँ हो सकता है ना अरे ये सेवन पॉइंट का तीन गुना है ना हाँ हो जाएगा देखो ये ट्वेंटी ये सेवन पॉइंट वन फोर का तीन गुना है है ना सेवन पॉइंट वन फोर का तीन गुना क्या होगा ट्वेंटी ट्वेंटी होगा हो ये लेकिन हम लोग उसको अप्रोक्सीमेटली एज्यूम कर सकता है ठीक है उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है तो ट्वेंटी फोर टू हो गया तो ये हाफ प्लस ये ये क्या है ये सेवन पॉइंट वन फोर क्या है बोलो इसका फ्रैक्शन बोलो आप लोग इतना आप लोग काम करो मेरे लिए .14 का फ्रैक्शन वन बाई फोर्टीन तो ये थ्री बाई फोर्टीन होगा अभी आप लोग ऐड करो इधर फोर्टीन डालो सेवन प्लस थ्री टेन टेन बाई फोर्टीन मतलब कितना फाइव बाई सेवन ठीक है भी कर सकता है लेकिन जरूरत नहीं है मतलब अगर आपका दिमाग में ये चीज जल्दी आता है तो आप लोग ये करो बाकी तो कैसे भी करो थोड़ा तो तो सोचना पड़ेगा कौन सा मतलब क्या है ठीक है ओके चलो तो ये तो हो गया अभी आप लोग मुझे और एक चीज बताओ ये वाला चीज बताओ तो हाँ बोलो बोलो कुछ डाउट है क्या क्या बोला ट्वेंटी एट पॉइंट फाइव सिक्स को, को बाई लिखेगा। ये देखो। जो, जो है ना वो बाई है ना ठीक है वो हम लोग को पता है यहाँ से देखो हाँ ये देखो वन बाई सेवन वाला ये वन बाई सेवन वाला देखो 14.28 है देख लिया ना वन बाई सेवन फोर्टीन पॉइंट टू एट है तो इसका मतलब तुम्हारा फोर्टीन पॉइंट टू एट है तो तुम डबल करो डबल करो ट्वेंटी एट पॉइंट फाइव सिक्स होगा इसका डबल तो ये तो टू बाई सेवन होगा ना समझ में आ गया अभी आ गया ना ठीक है चलो ये हो गया अच्छा आप लोग मुझे इसका बताओ सेवेंटी टू पॉइंट सेवन टू परसेंट का बताओ आप लोग अच्छा क्वेश्चन पूछता है आप लोग ऐसा क्वेश्चन पूछा करो तब मुझे चैलेंजिंग लगता है तब मुझे अच्छा लगता है नहीं तो फिर क्लास बोरिंग हो जाएगा फिर सेवेंटी टू पॉइंट सेवन टू करो ये वाला टाइप भी मैंने कल दिखाया था आप लोगों को जिसने क्लास किया उसको याद होगा फाइव बाई एट फाइव बाई एट कैसे होगा यार करेक्ट एट बाई इलेवन होगा करेक्ट 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 गूगल करेक्ट बाकी अदर्स अनु सागर अरमान आप लोग तो कल आंसर दे रहा था सुभाषिनी रूपा सब आंसर था तपोस्वी सब लोग आप लोग आंसर दे रहा था ना कल ये वाला तो से, सेम पैटर्न है एट बाई इलेवन एट बाई इलेवन होगा ठीक है क्या पैटर्न है देखो ये देखो जब सेम रहता है और ये दोनों नाइन का मल्टीपल है ना सेवेंटी टू सेवेंटी टू नाइन का मल्टीपल है तो आपको ये पता चलना चाहिए कि नाइन पॉइंट जीरो नाइन परसेंट का आठ गुना है ये ठीक है नाइन पॉइंट जीरो नाइन परसेंट का ये आठ गुना है ठीक है ना नाइन पॉइंट जीरो नाइन परसेंट का आठ गुना है नाइन पॉइंट जीरो नाइन परसेंट मतलब वन बाई इलेवन होता है इंटू एट होगा एट बाई इलेवन है ना तो ये तो इसीलिए ये चीज आइडेंटिफाई करना है अगर नाइन का मल्टीपल आपको दोनों साइड में दिखता है ना आप डायरेक्ट नाइन पॉइंट जीरो नाइन परसेंट को यूज कर दो आग बंद करके यूज करो आंसर आएगा ही ठीक है के बाद देखो क्या है उसके बाद क्या है देखो आ, उसके बाद आप लोग ये करो जस्ट ए मिनट हा जस्ट एक चीज में चेक कर लेता हूँ फिर कल जैसा हालत हो जाएगा ओके okay. ये वाला चीज आप लोग देखो सिक्सटी सपोज आपको मैं बोलता हूँ 44.44 परसेंट .44 इसका फ्रैक्शन करो क्या होगा जल्दी करो कल भी क्लास होगा हाँ एक्चुअली कल का क्लास प्लान नहीं है कुकिल बोर्डा फोर बाई नाइन लेकिन कल क्लास होगा और नहीं होने से मैं बोलूँगा अब तक तो हो गई, क्योंकि कल वाला क्लास भी वेस्ट हो गया ना सागर फोर बाई नाइन निधि पांडे फोर बाय नाइन बढ़िया नाइस अदर्स अदर्स अनु कुमारी फोर बाई नाइन मनीष फोर बाई नाइन सुभाषिनी फोर बाई नाइन वेरी नाइस बहुत सिंपली करेंगे इसको फोर बाई नाइन हाँ फोर बाई नाइन देखो ये इलेवन पॉइंट वन वन का चार गुना है इलेवन पॉइंट वन वन का चार गुना है ये तो चार फोर इंटू इलेवन पॉइंट वन 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 बाई नाइन होता है तो फोर बाय नाइन ठीक है तो आप लोग कर लेगा ना ये आप लोग इतना कर लेगा मुझे पता है ठीक है तो बाकी ये चीज़ हम लोग और प्रैक्टिस नहीं कर रहे डायरेक्ट जब क्वेश्चन आएगा तब देखेंगे क्वेश्चन में देखेंगे बाकी नेक्स्ट सर कई क्लास टू रेकॉर्ड होवो हो वो। वो ना क्लास कह रिकॉर्ड नहीं कह क्लास टू आज ही टू हो जाबो ना एक ही क्लास सेम ने रिपीट कर मैं एट बस्तु तो स्किप नक आज सेम टेम ला ठीक है नो तो क्ल रेक हुआ ना नाटे मैं क्या प्रब्लेम हो गल मैं आज आज ठीक है आज प्रब्लेम हुआ ना है। ओके सो नेक्स्ट थिंग आपको ये पता होना चाहिए कि ए परसेंट ऑफ बी इज इक्वल टू बी परसेंट ऑफ ए ठीक है ए परसेंट ऑफ बी इज इक्वल टू बी परसेंट ऑफ ए ये एक चीज है जो आप यूज कर सकते करेंगे मतलब क्लासेस में क्वेश्चंस में तो इसीलिए आपको ये पता होना चाहिए मैं आपको प्रूफ दिखा देता हूं ए परसेंट ऑफ बी मतलब ए बाई हंड्रेड इंटू बी ठीक है उसका मतलब अगर हम लोग ये हंड्रेड को यहाँ पे नहीं रख के यहाँ पे नहीं रख के नीचे लेके जाए तो ये ए इंटू बी बाई हंड्रेड लिख सकते हैं ना लिख सकते हैं तर ओहा करिले कितना हो दिसिलु तुमरो ओ होबो होबो ओ, ओ. ओ एतिया पा होई गोल ভাল होई गोल एतु किबाय एटा प्रॉब्लम आसिले एतिया भालो होई गोल बर ठीक है तो a into b by 100 तो ये इसको मैं b परसेंट ऑफ a भी बोल सकता हूं ना विदाउट एनी इशू है ना इसको मैं b परसेंट ऑफ a भी बोल सकता हूं ठीक है तो ये चीज़ आपका कभी कभी क्वेश्चन में यूज़ होगा और एक चीज क्या यूज होगा मैं आपको बोलता हूँ जैसे कि सपोज टू वन बाई थ्री ये एक फ्रैक्शन है ये फ्रैक्शन का इम्प्रॉपर इस ये ये मिक्स फ्रैक्शन है इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं ना आपको पता है ना ये थ्री इंटू टू प्लस वन बाई थ्री विच इज इक्वल टू सेवन बाई थ्री ये पता है ना ये पता होगा आपको

ठीक है क्लियर यहाँ तक किसी को डाउट है क्या बोलो अभी अभी जित जहाँ अभी जो भी पढ़ाया किसी को यहाँ तक डाउट है क्या बोलो तो तब मैं फिर आगे बढ़ता हूँ नो बढ़िया नो सर ओके फाइन 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 क्लियर ओके सब क्लियर होना एकदम एक एक वन शॉट में क्लियर हो जाना है फिर बाद में प्रॉब्लम नहीं है ठीक है चलो आप लोग क्या करो थोड़ा सा ना क्वेश्चन प्रैक्टिस करो ये वाला क्वेश्चन आप लोग होमवर्क करना मैं आपको पी डी आज दे दूंगा आप लोग क्या करना ये वाला क्वेश्चन आप लोग होमवर्क करो ये क्योंकि कल सेम क्वेश्चन किया था ये वाला क्वेश्चन भी आप लोग होमवर्क करो ये वाला क्वेश्चन अभी क्लास में करो ये वाला क्वेश्चन करिए प्लीज प्लीज डू दिस क्वेश्चन आपको क्लियरली दिख रहा है ना मुझे क्वेश्चन का साइज बढ़ाना पड़ेगा क्या बढ़ाना है तो बोल दो ठीक है मैं बढ़ा दूंगा ठीक है ठीक है आंसर आ गया क्या नहीं आया किसी का जल्दी करो ट्राई करो आंसर निकालने को एट फिफ्टी त्रिदीप त्रिदीप नियोगिफ्टी एम जेट फिफ्टी एट फिफ्टी सोल्व नहीं करता हूँ आप लोग देखो आप लोग बाकी लोग आप लोग आप लोग टाइम लगा रहे हाँ प्रियाक्षी करेक्ट ठीक है मुझे आंसर नहीं मालूम मी सी आप लोग टाइम लगा रहे हैं क्योंकि आप लोग एक गलत अप्रोच लगा रहे हैं देखो इसमें क्या करना है देखो कैसे इसको इसको अप्रोच कैसे कर सकते ये क्वेश्चन देखो वन फोर फोर जीरो परसेंट मतलब परसेंट हट हटा देंगे तो नीचे हंड्रेड आएगा है ना परसेंट हटाएंगे तो हंड्रेड आएगा इंटू टू टू ट्वेंटी फाइव टू ट्वेंटी फाइव तो ट्वेंटी फाइव इंटू नाइन होता है ना होता है टू ट्वेंटी फाइव ट्वेंटी फाइव इंटू नाइन होता है ठीक है प्लस टू नाइनटी नाइन डिवाइडेड बाई रूट अंडर फाइव ट्वेंटी नाइन कितना होता है ट्वेंटी थ्री होता है 529, 23 का स्क्वायर है रूपा गुप्ता ठीक है सबका एट फिफ्टी रहा है उसको काट दो ट्वेंटी फाइव से हंड्रेड कट जाएगा चार बार चार से ये कट जाएगा सात सौ बीस तीन सौ साठ है ना थ्री सिक्सटी थ्री सिक्सटी इंटू नाइन कितना होगा जी थर्टी सिक्स इंटू नाइन कितना होता हाँ, है थ्री सिक्सटी और थ्री थर्टी थ्री ट्वेंटी फोर थ्री टू फोर जीरो प्लस ये ट्वेंटी थ्री से टू नाइन कटेगा हाँ कट जाएगा थर्टीन बार कटेगा थर्टीन बार कटेगा ठीक है ट्वेंटी थ्री से टू 13 नाइन थर्टीन बार कट गया तो थर्टीन प्लस वन सिक्सटी वन प्लस एक्स इक्वल टू फोर टू सिक्स फोर थ्री टू फोर जीरो प्लस वन सेवन फोर थ्री टू फोर जीरो प्लस वन हंड्रेड सेवेंटी फोर कितना फोर नाइन फोर फोर आएगा ना क्या रही? क्या ये एक सेकेंड सॉरी सॉरी मेरा शायद आंसर गलत आ रहा है जस्ट ए मिनट है ये टैक्स यहाँ से कितना आएगा 850. ठीक है तो हम लोग इसको दो तीन स्टेप में ही कैलकुलेशन कर सकते हैं सिर्फ आपको थोड़ा सा केयरफुल होना है कि 225 से डायरेक्ट मल्टीप्लाई मत करो उसमें टाइम वेस्ट होगा ठीक है 850 करेक्ट आप लोगों का करेक्ट आंसर आया प्रदीप एमजे प्रियाक्षी और रूपा और बाकी आप लोग ट्राई करो आएगा आंसर प्रॉब्लम नहीं है स्टार्टिंग फर्स्ट क्लास है ना ऐसा थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा ठीक है एंड हैड क्यों क्या हुआ कुछ प्रॉब्लम है क्या डाउट है क्या हाथ उठा के मज़ा आता है क्या आप लोग को ठीक है आप लोग ये करो आ, ये वाला हो गया आप लोग ये वाला क्वेश्चन करो तो आ, ये वाला प्लीज ट्राई दिस क्वेश्चन थाउजेंड्स हंड्रेड्स अलग से लेके करना है सब अलग अलग से करना कीप इट सेपरेट देन इट विल बी इट विल बी इजी टू सॉल्व तापस्वी सी वन नाइन डबल थ्री ज़ीरो बहुत जल्दी किया यार बहुत बढ़िया वेरी नाइस दीप नियोग वन नाइन डबल थ्री जीरो ठीक है कील बोरा सी प्रियाक्षी सी सी सुभाषिनी सी सी ओके okay, तब मोस्टली सी होगा देखते आंसर क्या होगा देखो इसको विदाउट पिकिंग पेन कैसे कर सकते हैं पेन पिक करने का जरूरत नहीं है पूरा मैथ को लिखने का जरूरत नहीं है देखो क्या करना है यहाँ पे सेवन थाउजेंड है ना सेवन थाउजेंड माइनस थ्री थाउजेंड कितना होता है फोर थाउजेंड माइनस वन थाउजेंड थ्री थाउजेंड प्लस फोर थाउजेंड सेवन थाउजेंड प्लस इलेवन थाउजेंड तो लास्ट फर्स्ट तो एटीन थाउजेंड आ जाएगा यहां पे क्या किया मैंने यहां से सेवन थाउजेंड उठाया माइनस थ्री थाउजेंड ये ये वाला माइनस थ्री थाउजेंड यहां से देखो माइनस थ्री थाउजेंड माइनस वन थाउजेंड सॉरी प्लस फोर थाउजेंड प्लस इलेवन थाउजेंड ये सारा कैलकुलेट करके मेरे एटीन थाउजेंड आ गया थाउजेंड्स प्लेस में अनु कुमारी सी थाउजेंड्स प्लेस आ गया अभी हंड्रेड जीरो देखो, देखो यहाँ पे देखो एट हंड्रेड माइनस वन हंड्रेड सेवन हंड्रेड माइनस सेवन हंड्रेड जीरो प्लस सेवन हंड्रेड प्लस फाइव हंड्रेड मतलब कितना आएगा प्लस वन थाउजेंड टू हंड्रेड सारा हंड्रेड को ऐड कर दिया यहाँ पे ये देखो यहाँ से कितना निकला 800 हंड्रेड माइनस वन हंड्रेड सेवन हंड्रेड यहाँ से माइनस सेवन हंड्रेड ये हंड्रेड और माइनस वन हंड्रेड सेवन हंड्रेड और माइनस सेवन हंड्रेड जीरो और यहाँ से हंड्रेड और यहाँ से कितना निकला फाइव हंड्रेड तो सेवन हंड्रेड प्लस फाइव हंड्रेड निकला ट्वेल्व हंड्रेड नेक्स्ट नेक्स्ट क्या आएगा देखो यहाँ पे फिफ्टी सिक्स नेक्स्ट नेक्स्ट हम लोग डायरेक्ट कर देंगे ठीक है फिफ्टी सिक्स माइनस ट्वेंटी फोर कितना होता है थर्टी टू माइनस थर्टी टू फिर जीरो हो गया बिना कुमारी सी ठीक है फिफ्ट देखो यहाँ पे देखो क्या हो रहा है फिफ्टी सिक्स माइनस ट्वेंटी फोर थर्टी टू माइनस थर्टी टू जीरो फिफ्टी वन प्लस सेवेंटी नाइन वन सिक्सटी तो क्या हो जाएगा नाइनटीन थाउजेंड थ्री हंड्रेड सिक्सटी आ रहा है मेरा आंसर गलत आ रहा है क्या? कुछ गड़बड़ की आएगी सॉरी 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 यहाँ पे यहाँ पे वन थर्टी आएगा ठीक है यहाँ पे वन थर्टी आएगा ठीक है हाँ वन थर्टी है करेक्ट 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 यूर करेक्ट वेरी नाइस प्लस समझ में आ गया अभी पूरा किसी को डाउट है इसमें ये वाला चीज में किसी को डाउट है कैसे सॉल्व किया किया अभी पेन पिक तो टाइम लगा नहीं तो जल्दी हो जाता है मतलब विदाउट पिकिंग पेन भी कर सकते हैं ये पूरा सब ठीक है लेकिन आपको डाउट है तो बोलो मैं वापस समझाऊंगा वापस समझाना है क्या या फिर हो, हो जाएगा हो जाएगा वेरी नाइस चलो तो आप लोग ये वाला क्वेश्चन एक बार होमवर्क करना ठीक है ये सेम सेम काइंड का क्वेश्चन का हम लोग दो बार नहीं करेंगे वो आप लोग होमवर्क करो आप लोग ये वाला क्वेश्चन भी होमवर्क करो ये क्वेश्चन कल आपने क्लास में किया था तो आप लोग आज तो आप लोग से हो जाएगा अभी आप लोग क्लास में ये वाला क्वेश्चन करो प्लीज ट्राई दिस क्वेश्चन एवरी आप लोग अपने फ्रेंड्स को भी बोल सकते हैं ज्वाइन करने के लिए अगर आप लोगों को अच्छा लग रहा है सीरियसली अगर आपको फीडबैक खराब लग रहा है देन डोंट टेल अगर आप लोगों को अच्छा लग रहा है तो आप लोग बोल सकते हैं अपने फ्रेंड्स को फ्री क्लास फोर्टी फोर्टी फाइव डेज तक चलेगा तो आपको ओवरव्यू तो मिल ही जाएगा सिलेबस का क्या हो इसका आंसर नहीं आ रहा है किसी का काशी सेवन सेवन सिक्स ज़ीरो सेवन सेवन सिक्स जीरो नान ऑफ दिस त्रिदीप चलो दो अलग अलग आंसर आया मेरे नहीं इससे अभी मजा आएगा बाकी लोग निकलो यहाँ से मैं निकलता हूँ ये वाला चीज़ पूरा कट के तो वन बाई टू आएगा ये सेवन से वन सिक्सटी वन कट जाएगा ट्वेंटी थ्री टाइम्स ये फोर से ये कट जाएगा आपको फोर्टी सिक्स टाइम्स और ट्वेंटी थ्री से फोर्टी सिक्स कट जाएगा वन बाई टू ये पूरा जबड़ा तो वन बाई टू आएगा तो वन बाई टू इंटू अंदर देखो टू फोर फाइव ज़ीरो परसेंटेज को हटाऊंगा मैं देखो आपको एक चीज़ पता पता है कि नहीं देखो ये चीज़ बाकी लोगों का आंसर आया सिक्स सेवन सिक्स जीरो सिक्स सेवन सिक्स जीरो मतलब नन ऑफ दिस नन ऑफ दिस अलग कुछ आंसर आ रहा है तो नन ऑफ दिस होगा ना देखो भाई आप लोग एक चीज देख लो जैसे मैं बोलता हूं ट्वेंटी परसेंट ऑफ फाइव हंड्रेड ठीक है तो इस चीज में मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ ट्वेंटी बाई हंड्रेड इंटू फाइव हंड्रेड लिख सकता हूँ ना यही तो होता है तो ये डबल जीरो और ये डबल जीरो तो ऐसे भी कैंसिल हो रहा है तो मैं बोल सकता हूं कि परसेंटेज जो है वो दो जीरो को हटा देगा seven, seven, six, seven, seven, six, ठीक है परसेंटेज जो है वो दो जीरो को हटा देगा ना ये बोल सकते हैं ना हम लोग समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ परसेंटेज की वजह से ये जीरो और ये तो ऊपर का दो जीरो कैंसिल हो गया इसका मतलब जो परसेंटेज है उसको हम लोग डबल जीरो किलर बोलते हैं डबल जीरो किलर है परसेंटेज तो यहाँ पे भी वही वही चीज़ यूज़ करो परसेंटेज हटाओ और यहाँ पे दो ज़ीरो हटाओ इक्वल टू एक्स माइनस वन सिक्स थ्री फाइव फिर कैलकुलेट करो ये कितना आएगा ये तो कटेगा फोर फाइव फिर कटेगा वन टू टू फाइव इंटू फाइव ये काट दो इससे वन टू टू फाइव इंटू फाइव वन टू टू फाइव इंटू फाइव कितना होगा छः हजार और एक सौ पच्चीस तो uh, हाँ छह हजार और एक सौ पच्चीस तो छ हजार एक सौ पच्चीस इक्वल टू एक्स तो माइनस वन सिक्स थ्री फाइव तो दोनों को ऐड कर देंगे तो सेवन सेवन सिक्स जीरो आंसर होगा वेरी नाइस ठीक है आप सबका आंसर आया फर्स्ट आंसर निकाला था पियक्षी ने वेरी नाइस सुपर तो, तो सेवन सेवन सिक्स जीरो डी इज द करेक्ट आंसर ओके विल मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन डाउट तो नहीं है इसमें कुछ नहीं दिखाया नया बस आप लोग परसेंटेज को डबल जीरो हिसाब से यूज कर सकते हैं इफ़ यू रिमूव द परसेंटेज यू रिमूव द डबल जीरो बस ही और कुछ नहीं। ठीक है ना? ओके। चलो तो आप लोग ये वाला क्वेश्चन ट्राई कीजिए सिक्सटी सेवन पॉइंट फाइव परसेंट मैंने आपको हेल्प किया था थर्टी टू पॉइंट फाइव परसेंट यू फिगर आउट फिगर इट आउट बाई योर बाकी आप लोग खुद करो आपको समझ में आएगा क्या करना है mm ऑफ को हटा दो ऑफ जितना ऑफ है सारा हटाओ ऑफ का कोई मतलब ही नहीं है वो मल्टीप्लीकेशन ही है इजी क्वेश्चन है है जल्दी निपटा दो मैं आपको एक हिंट देता हूँ देखो फोर जीरो नाइन सिक्स जो है ना ये टू टू पावर ट्वेल्व होता है ठीक है टू टू पावर ट्वेल्व होता है मतलब क्या इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना टू स्क्वायर होल टू द पावर सिक्स ऐसे लिख सकता हूँ इसको ठीक है लिख सकता हूँ तो इसका मतलब ये फोर टू पावर सिक्स है तो इसका अगर हम लोग सिक्स रूट लेंगे फोर ज़ीरो नाइन सिक्स का तो ये फोर आएगा ना अभी कर लो चलो मैं दिखा देता हूँ आप लोगों को टाइम ज्यादा लग रहा है देखो कैसे होगा थर्टी टू परसेंट थर्टी टू परसेंट मैं यहाँ से ना ये वाला परसेंटेज निकाल दूंगा और यहाँ से ये दो जीरो निकाल दूंगा कोई प्रॉब्लम है क्या आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है ना परसेंटेज डबल जीरो किलर है ये परसेंटेज निकाल दूंगा और यहाँ से दो जीरो निकाल दूंगा थर्टी टू इंटू सिक्सटी सेवन पॉइंट फाइव परसेंट का वैल्यू कोई मुझे बताओ चैट में सिक्सटी पॉइंट फाइव भी नहीं निकाला क्या आप लोगों ने कैसे होगा सिक्सटी सेवन पॉइंट फाइव तो इजी है ना सिक्सटी परसेंट प्लस 7.5 पॉइंट फाइव परसेंट कर लो सिक्सटी परसेंट का वैल्यू पता है हमको क्या है सिक्सटी परसेंट थ्री बाई फाइव है प्लस सेवन पॉइंट फाइव परसेंट का वैल्यू सेवन पॉइंट फाइव परसेंट का वैल्यू मैं ऐसे निकाल सकता हूँ देखो फिफ्टीन परसेंट का वैल्यू मुझे पता है फिफ्टीन परसेंट क्या होगा फिफ्टीन बाई हंड्रेड मतलब थ्री बाई ट्वेंटी तो सेवन पॉइंट फाइव परसेंट तो फिफ्टीन परसेंट का हाफ है ना तो इसका भी हाफ होगा थ्री बाई फोर्टी होगा यहाँ पे फोर्टी एलसीएम ले लिया एट ट्वेंटी फोर प्लस थ्री ट्वेंटी सेवन बाई फोर्टी आएगा समझ में आया सबको किसी को डाउट है तो बोलो मैं रिपीट कर देता हूँ एक बार ये वाला चीज़ कैसे आया एनीवन किसी को डाउट है ये कैसे आया बोलो बोलो मैं रिपीट कर दूंगा कोई प्रॉब्लम नहीं है समझ में आ गया हाँ रिपीट कर रहा हूँ कर रहा हूँ एक मिनट हाँ जस्ट एक चीज़ चेक कर लेता हूँ आज क्लास पूरा अच्छे से रिकॉर्ड हुआ है फर्स्ट टाइम देखो क्या हुआ देखो मैंने आपको सिक्सटी टू पॉइंट फाइव दिखाया था सिक्सटी सेवन पॉइंट फाइव नहीं दिखाया तो सिक्सटी सेवन पॉइंट फाइव को हम लोग देखो क्या कर सकते हैं एक सेकेंड हाँ जी सिक्सटी परसेंट प्लस सेवन पॉइंट फाइव लिख सकते हैं ना कोई तो प्रॉब्लम तो नहीं है सिक्सटी परसेंट प्लस सेवन पॉइंट फाइव लिख सकते हैं सिक्सटी परसेंट का वैल्यू थ्री बाई फाइव होता है सिक्सटी परसेंट का वैल्यू होता है थ्री बाई फाइव प्लस सेवन पॉइंट फाइव का कैसे लिखेगा देखो आपको सेवन पॉइंट फाइव समझ में नहीं आता है तो आप ऐसे करो आपको सेवेंटी फाइव परसेंट तो पता है ना सेवेंटी फाइव परसेंट कितना होता है कोई बोल सकता है सेवेंटी फाइव परसेंट का फ्रैक्शन क्या होगा थ्री बाई फोर होता है होता है तो आप अगर सेवन सेवेंटी फाइव परसेंट को अगर आप टेन से डिवाइड कर देंगे तो सॉरी थ्री बाई फोर होता है ना हाँ सेवेंटी फाइव परसेंट को टेन से डिवाइड करने से सेवन पॉइंट फाइव परसेंट आएगा आएगा और थ्री बाई फोर को टेन से डिवाइड करने से थ्री बाई फोर्टी आएगा आएगा ना समझ में आ गया ना अभी दोनों साइड को मैंने टेन से डिवाइड कर दिया वो ज्यादा इजी है समझ में आया कि नहीं या फिर अभी भी डाउट है तो इसको फिर ऐड करो थ्री बाई फोर्टी लिख दो फिर जो ऐड करना है वो ऐड कर दो फाइव और फोर्टी का एलसीएम फोर्टी और एट थ्री ट्वेंटी फोर प्लस थ्री है तो बाकी नॉर्मल एलसीएम लेके ऐड किया है बस और कुछ नहीं अभी डाउट है क्या किसी को बोलो तो मनीष रूपा अरमान एनोनिमस एमजे कुकील त्रिदीप प्रियाक्षी किसी को डाउट है क्या बीना अनु जो लोग ने कमेंट किया उनका ही नाम बोल रहा हूँ सुभाषिनी नो डाउट नहीं सर ओके हाँ कंफ्यूज होगा कोई बात नहीं फर्स्ट टाइम है ना रूपा ने फिर बोला फिर रिपीट चाहिए क्या फिर से रिपीट करना है नो सर ओके तो ये हो गया थ्री बाई ट्वेंटी थोड़ा कंफ्यूज होगा थोड़ा कंफ्यूज होने से अच्छा है ना हर एक चीज अगर इजीली आ गया फिर आप सोचेगा कि क्लास में आके फायदा नहीं हो रहा है तो वो भी तो अच्छा चीज है ना और बस वो थोड़ा थोड़ा इधर उधर करने वाला सिस्टम अगर आपको पता चल गया बाकी चैप्टर में कुछ नहीं है इसमें तो अभी आप इसको खोलो इसमें थर्टी टू इंटू सिक्स परसेंट को खोलेंगे तो कितना आया ट्वेंटी सेवन बाई फोर्टी आया ये जो फोर जीरो मैंने आपको दिखाया फोर जीरो फोर टू पावर सिक्स होता है ठीक है फोर जीरो तो आपको ये पता है ना अगर जैसे जैसे ट्वेंटी सेवन जो है वो थ्री क्यूब होता है तो अगर मैं क्यूब रूट ऑफ ट्वेंटी सेवन लूँ तो वो थ्री आएगा ये तो आपको पता है ना ये चीज़ तो उसी तरह से जो सिक्स रूट ऑफ फोर ज़ीरो नाइन सिक्स क्या आ गया फोर आ जाएगा फोर आ जाएगा आराम से फोर आएगा और इंटू ट्वेंटी ये करना है इतना ही कैलकुलेशन करना है कैलकुलेशन करो ट्वेंटी से ये कट जाएगा फोर्टी दो बार ये फोर टू से ये टू फोर टू बार कट जाएगा तो एक्स क्यूब कितना आ रहा है सिक्सटी फोर इंटू ट्वेंटी सेवन आ रहा है तो x क्या आएगा क्यूब रूट आएगा इन दोनों का सिक्सटी फोर क्या होता है फोर क्यूब होगा ट्वेंटी सेवन थ्री क्यूब तो यहाँ से एक फोर बाहर निकलेगा थ्री बाहर निकलेगा तो फोर इंटू थ्री बाहर निकलेगा तो ट्वेल्व बाहर निकल जाएगा आंसर इज ट्वेल्व ठीक है मैंने डायरेक्ट किया आप लोग उसको ट्वेल्व का क्यूब बना के कर सकते हैं लेकिन इस क्वेश्चन में जरूरत नहीं है लोग डायरेक्ट निकाल सकते हैं समझ में आ गया किसी को अभी बोलो किसी को डाउट है कि नहीं अभी बोलो कोई भी स्टेप में कहीं पे भी डाउट है, रिपीट कर दूंगा, नो मत बोलो। ठीक है अगर समझ में नहीं आया तो अभी बोलो डाउट नहीं है ना चलो ठीक है चलो बढ़िया अभी आप लोग क्या करो ये वाला क्वेश्चन हम लोग कल के क्लास में करेंगे ये वाला भी हम लोग कल के क्लास में करेंगे आप लोग एक काम करो आप लोग ना अप्रोक्सीमेशन वाला हम लोग कल के क्लास में करेंगे ये वाला क्वेश्चन आप लोग होमवर्क करना क्योंकि ये कल के क्लास में हो गया था एक बार ये और ये भी हो गया था तो अभी आप लोग क्या करेंगे यार तो आपको हाँ मैं आप को ये वाला क्वेश्चन करो ये वाला क्वेश्चन करो ये हो जाना चाहिए आप लोगों से ये लास्ट क्वेश्चन है आज का उसके बाद छुट्टी कल कल नहीं तो कल क्लास होने का चांस है मोस्टली होगा अच्छा हम लोग ने एक असम पुलिस एस के लिए एक बैच स्टार्ट किया है कर रहे है, मतलब दुर्गा पूजा के बाद तो आप लोग अगर इंटरेस्टेड है तो आप लोग ज्वाइन कर सकते उसमें वो वो फ्री नहीं है वो पेड़ है पेड़ लेकिन दुर्गा पूजा के पहले आ, मतलब प्राइस कम तो है तो आप लोग अगर इंटरेस्टेड है तो आप लोग एनरोल कर सकते मैं आपको पोस्टर भेज दूंगा उसका पोस्टर और लिंक एट हंड्रेड का पड़ेगा का हाँ ठीक है ओके चलिए ये वाला क्वेश्चन कीजिए आप लोग ना अगर आपको कोई प्रॉब्लम डिफिकल्ट लगता है ना आप लोग हार मत मानना थोड़ा सा मतलब ले लो उसको अगर ले लिया ना आप लोग अगर बैंकिंग एस सी एम कर रहे हैं ये छोटा मोटा एग्जाम आपसे ऐसे ही निकल जाएगा बस आप लोग गिव अप मत करो ये चीज बुरा लगता है बहुत लोग क्लास में आते हैं फिर चले जाते हैं वो नहीं करना चाहिए एटलीस्ट देख लो क्या चल रहा है डिफिकल्ट तो सबके लिए डिफिकल्ट है जब मैंने भी ये सब चीज पढ़ना स्टार्ट किया था मेरे लिए भी था अच्छा त्रिदीप नियोग सी 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 क्या है फाइव नाइन फोर सेवन फाइव नाइन थ्री सेवन अच्छा फाइव नाइन फोर सेवन है ना ठीक है लेट अस सी वेट बाकी लोगों को आने दीजिए नो सर बी एटा एटा आंसर को सुन कन्फर्म करी टाइपिंग मिस्टेक ओके बी, बाकी लोग क्या हुआ सुभाषिनी अरमान निधि तिबेनी रूपा प्रियाक्षी डी लेट्स सी इंटरेस्टिंग है सबका आंसर अलग आया लेट्स सी क्या आंसर आएगा uh, हम लोग थर्टी बी uh, अजिता बी ठीक है देखते हैं थर्टी टू पॉइंट टू टू को हम लोग मैनिपुलेट कर सकते हैं ना बहुत इजीली इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है ये तो ट्वेंटी टू पॉइंट टू टू परसेंट प्लस टेन परसेंट है ना आप लोगों ने अगर अलग तरीके से किया टू इंटू इलेवन इशू है और प्लस इधर टेन परसेंट तो इलेवन पॉइंट वन वन तो वन बाई नाइन होगा तो टू बाई नाइन प्लस वन बाई टेन टू बाई नाइन प्लस वन बाई टेन करेंगे तो इधर नाइन्टी आएगा ट्वेंटी ट्वेंटी नाइन बाई नाइनटी आएगा ये क्वेश्चन कल किया था क्या ऐसा लग रहा है ट्वेंटी नाइन बाई नाइनटी इंटू सिक्स फोर एट जीरो बी निधि ठीक है देखो प्लस नाइन्टी वन पॉइंट सिक्स सिक्स तो अभी हम लोगों ने किया नाइन्टी वन पॉइंट सिक्स सिक्स का फ्रैक्शन बोल दीजिए मुझे इलेवन बाई ट्वेल्व है ना मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ ठीक है नाइन्टी वन बाई सिक्स पॉइंट सिक्स सिक्स को इलेवन बाई ट्वेल्व इंटू फोर थाउजेंड टू हंड्रेड यही निकालना है ये ज़ीरो से ज़ीरो काट दो नाइन से सिक्स फोर्टी एट जाएगा हाँ चला जाएगा नाइन सेवेंटी टू ठीक है और ये बारह से कटेगा क्या बारह से कटेगा ट्वेंटी वन हंड्रेड बाई सिक्स सेवन हंड्रेड थ्री फिफ्टी तो थर्टी फाइव अरे यार ये क्वेश्चन तो कल ही किया था, था 29 92, 30 92, नहीं 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 ले सकते ये अप्रोक्सीमेशन का क्वेश्चन नहीं है ना नहीं ले सकते अप्रोक्सीमेशन का क्वेश्चन में हम लोग ट्वेंटी नाइन ट्वेंटी नाइन पॉइंट नाइन नाइन को हम लोग थर्टी ले सकते ट्वेंटी नाइन को थर्टी नहीं ले सकते ठीक है तो थ्री एट फाइव जीरो यहाँ से निकले निकल गया और आपका ट्वेंटी नाइन इंटू सेवेंटी टू कितना आ जाएगा ये कैलकुलेशन किया कि आप लोगों ने ट्वेंटी नाइन इंटू सेवेंटी टू यस बोलो यस yes, क्यों बोल रहे हैं कितना आएगा है बोलो थ्री एट फाइव जीरो अरे यार नहीं 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 थ्री एट फाइव जीरो ये आ रहा है इस साइड वाला आ रहा है है, इसका कैलकुलेशन में मुझे हेल्प कर दो तब मेरा टाइम बच जाएगा मैं कर लेता हूँ उनको सेवेंटी टू इंटू थ्री कितना होगा टू हंड्रेड जीरो माइनस सेवेंटी टू टू जीरो को ऐड कर देंगे तो कितना आएगा फिफ्टी एट हंड्रेड और फिफ्टी नाइन हंड्रेड थर्टी एट ऑप्शन इज करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी मैं आपको और एक चीज़ नहीं दिखाया था मैं आपको दिखा देता हूँ ये वाला मल्टीप्लीकेशन बाई इलेवन देख लो एक बार मल्टीप्लीकेशन बाई इलेवन जल्दी कैसे करना है एक बार देख लो जल्दी जल्दी देख लो फिर मैं आपको अगर डाउट हुआ तो कल समझा दूंगा डाउट है तो आज मत पूछना ठीक है अभी डिजाइनिंग का टाइम हो गया सपोज <laughs> सपोज ट्वेंटी फाइव को मुझे इलेवन से मल्टीप्लाई करना है क्या करना है मुझे देखो टू और फाइव को अलग से लिखो पहले टू को इधर लिखो फाइव को अलग से लिखो फिर क्या करो ये फाइव में टू एड कर दो राइट right साइड से हाँ इसी साइड से लेना है राइट right साइड से फाइव प्लस टू कितना होगा सेवन ये आंसर है अगर हम मुझे थर्टी फाइव को इलेवन से मल्टीप्लाई करना है जो अभी किया था क्या किया मैंने थ्री को इधर लिखा फाइव को इधर लिखा अपने जैसे था वैसा नेक्स्ट स्टेप में फाइव प्लस थ्री कर दो एट आ गया ठीक है बड़ा नंबर लिया बड़ा नंबर लेना है टू सेवेंटी फाइव इंटू इलेवन करना है सपोज सेम मेथड है टू को इधर लिखो फाइव को इधर लिखो फिर एक के एक एक करके ऐड करो फाइव प्लस सेवन फर्स्ट स्टेप फाइव प्लस सेवन कितना होता है ट्वेल्व फाइव प्लस सेवन ट्व होता है उसका टू लिखा मैंने टू लिख के मैं वन कैरी ले लूंगा कैरी को अभी नहीं लिखना है ठीक है कैरी को रख देना है फिर सेवन प्लस टू सेवन प्लस टू नाइन प्लस वन कितना होगा टेन टेन का जीरो लिखा और ये जो वन था ना वो यहाँ पे ऐड हो जाएगा तो आंसर विल बी थ्री जीरो टू फाइव ठीक है तो आप लोग होमवर्क में क्या करना फोर हंड्रेड फाइव इंटू इलेवन करो फाइव इंटू इलेवन करो नाइन 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 इंटू इलेवन करो ठीक है और नाइन जीरो वन नाइन इंटू इलेवन करो ये दोनों आप ये चारों आप लोग करके ये चारों नोट डाउन करो फिर क्लास लीव कर दो क्लास हो गया खत्म हाँ थैंक यू थैंक यू बाय बाय गुड नाइट गुड नाइट थैंक यू थैंक यू सब लोग सबे लिफ्ट कर दिया थैंक यू थैंक यू हाँ थैंक यू निधि कब्यराज प्रियाक्षी थैंक यू बाय बाय गुड नाइट